हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और वेलकम टू ज्योत्सन आर्ट स्टूडियो। और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के सामने 11th क्लास की थ्योरी। जैसा हमने लास्ट वीडियो में अपने देखा था, हमने डिस्कस किया था अपने सिलेबस के बारे में कि बोर्ड एग्ज़ाम में सिलेबस कैसा आता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम का पैटर्न, कि हमारा एग्ज़ाम जो आएगा वो किस पैटर्न में होगा और कितने मार्क्स का पेपर आएगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने आवर्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज। वेलकम, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, अगर आपके प्रैक्टिकल पेंटिंग का है या ग्राफिक्स का है, स्कल्पचर का है, अप्लाइड आर्ट्स का है, तो भी आपका थ्योरी जो होगा वो सबका सेम होगा। थ्योरी पेपर सबका सेम होता है, प्रैक्टिकल डिफरेंट होता है, बट जो थ्योरी होती है वो सबकी सेम होती है। तो पेंटिंग के स्टूडेंट्स का भी मैंने कोड बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ग्राफिक्स के भी स्टूडेंट्स का कोड बताया है मैंने, सब्जेक्ट कोड जो होता है स्कल्पचर का, अप्लाइड आर्ट का। अप्लाइड आर्ट को कॉमर्शियल आर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट कर रहे हैं हम 11th क्लास का एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में मैं आपको बता देती हूँ, 11th का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें आपके आते हैं 8th क्वेश्चन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है ये आपका। मोस्टली जो एग्ज़ाम होता है वो आपके 3 आवर्स का होता है, लेकिन फाइन आर्ट्स का जो एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो 2 आवर्स का होता है। वो कितने आवर्स का होगा? 2 आवर्स का। 2 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना होगा 2 घंटे में। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका होता है 3 आवर्स का और मैक्सिमम 6 आवर्स का। अगर आपको 2 टॉपिक मिले हैं तो आपका 6 आवर्स का होगा, अगर आपको 1 टॉपिक मिला है तो आपका 3 आवर्स का होगा। प्रैक्टिकल आपका होता है 60 मार्क्स का और जो थ्योरी होती है वो आपकी होती है 40 मार्क्स की। तो टोटल हमारा जो बैठता है मार्क्स, हमारे 100 मार्क्स का आपका फाइन आर्ट्स का पेपर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है, पेपर है, वो 3 घंटे में नहीं होगा, वो 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो 8 क्वेश्चंस आते हैं हमारे। 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और 8 क्वेश्चन में से कोई चॉइस नहीं होगी आपके लिए। 8 के 8 आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे, कोई चॉइस नहीं होती है इसमें फाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 होगा, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन होगा, वो लॉन्ग होंगे। उनमें आपको जो आंसर देना होगा वो मिनिमम आपको 2 पेजेस और मैक्सिमम आप जितना दे सकते हैं उतना दे सकते हैं। तो इसमें वर्ड लिमिट होती है, मिनिमम आपको 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स मिनिमम, उसको बोलते हैं कम से कम 200 वर्ड उसमें लिखे होने चाहिए। कुछ बच्चों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो सिर्फ 200 वर्ड्स का आंसर लिख कर आते हैं और ना उससे ज़्यादा लिखते हैं, उससे कम में ही लिख देते हैं। जब उसमें एग्ज़ाम क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है तो उस बात को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप अपने आंसर से एग्ज़ामनर को सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो वो एग्ज़ामनर पूरे मार्क्स नहीं रखेगा कभी भी। तो आपका जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग होता है, उसमें आपको प्रॉपर आंसर अटैम्प्ट करना होता है, चाहे वो आपके 2.5 पेज का जा रहा हो आंसर या 3 पेज का जा रहा हो, लेकिन आपका 1 पेज का या आधा पेज का आंसर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड होता है आपका, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आप नोट कर लीजिए बच्चे। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो आपका आंसर होता है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब लॉन्ग से थोड़ा सा कम। तो आप इसमें 1 पेजेस के आंसर दे सकते हैं आप। इसमें आपके मोस्टली पेंटिंग्स का डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, बिल्डिंग्स का डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, या किसी पे शॉर्ट नोट आ जाता है, तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 6, 7, 8। 6, 7, 8 जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, मतलब इनको आप 1 वर्ड आंसर या 1 लाइन आंसर या 2-3 लाइन आंसर, मैक्सिमम आप 3-4 लाइन आंसर दे सकते हैं इसमें।
इसमें ये नहीं है कि आप इसमें 50 वर्ड्स लिखो या आपको पूरा आधा पेज बनना है, नहीं। इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स और वन वर्ड आंसर दे सकते हो। एग्जांपल जैसे किसी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ डांसिंग गर्ल, तो आप जस्ट मीडियम लिख के उसके आगे लिख सकते हैं ब्रॉन्ज टेराकोटा, तो वो टिक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 8th क्वेश्चंस है, 8th क्वेश्चंस में आपको ऑल आर कंपलसरी और ये जो क्वेश्चन है सारे 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन एंड 5 8 जा 40, तो देन आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और अगर आपने सारे अटेम्प्ट करे हैं आंसर तो और बिल्कुल करेक्ट है तो 40 out of 40 आपके डेफिनेटली आएंगे। और अगर आपके प्रैक्टिकल में 60 मार्क्स हैं तो 60 out of 60 एंड 40 out of 40, तो देन आपके 100 out of 100 कन्फर्मली आपके 100 out of 100 आएंगे। और फाइन आर्ट्स में आते भी हैं और बोर्ड की तरफ से आपका एक सर्टिफिकेट भी आता है बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप 12th करते हो, और अगर आपके 100 out of 100 आते हैं तो आपका एक बोर्ड की तरफ से एक सर्टिफिकेट आता है। तो आज हमने डिस्कस किया अपना क्लास 11th का एग्ज़ाम पैटर्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास में है बिल्कुल। एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।